हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल पीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे बेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का सॉइल बाथ या अर्थन बाथ का एक क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक कोर दीवार मृदा बाध का अनुप्रस्थ काट खींचे, यानी हमको यहाँ पे एक मृदा बाध लेकिन कोर दीवार वाला बनाना है और उसका अनुप्रस्थ काट खींचने के लिए कहा गया है। आंकड़े दिए गए हैं क्वेश्चन के लिए। भूमितल का आरियल 200 मीटर दिया गया है और बाध की ऊपरी आरियल 115, यानी बाध की जो ऊंचाई होगी इन दोनों का अंतर, यानी 215 से 200 घटाया जाए तो 15 मीटर जो आएगा वह हमारी बाध की ऊंचाई होगी। फुल सप्लाई लेवल 213 इसका आरियल दिया गया है, जो कि कह सकते हैं बाध के ऊपरी सिरे से 2 मीटर नीचे तक जल भरा होगा। बाध की ऊपरी चौड़ाई 7.5 मीटर, कोर दीवार की चौड़ाई 3 मीटर और 6 मीटर, यानी जो कोर दीवार है इसकी ऊपरी चौड़ाई 3 मीटर और निचली चौड़ाई 6 मीटर दी गई है, जबकि यूएस का ढाल 2:1 और डीएस का ढाल 1.5:1 का दिया गया है और कुल जो पैचिंग कार्य करना है वह करना है 1 मीटर तक। तो कोई भी क्वेश्चन यदि हल करने होते हैं तो हम सबसे पहले आरएफ एक मानते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो आरएफ है वह आरएफ 1/250 है। इसी आरएफ पे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो बाध की ऊंचाई आई, इन दोनों का अंतर अगर लिया जाए तो वह बाध की ऊंचाई होगी जो 15 मीटर आ रहा है। तो जो बाध की ऊंचाई 15 मीटर आ रहा है तो हम यहाँ पे आरएफ लेते हैं। आरएफ बराबर 1/250 दिया गया है, इसमें 15 मीटर का गुणा करते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं तो यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट किया गया, 5 × 25, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यानी 6 सेंटीमीटर जो होगी यह हाइट में बनाई जाएगी। तो 6 सेंटीमीटर हाइट को दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं जीएल। तो यहाँ पे हम जीएल दिखा देते हैं, एक सीधी रेखा खींच दी गई और इस पर भूमितल का सिंबल इन 3 रेखाओं के द्वारा इस प्रकार से दिखा देते हैं। ये हो जाने के बाद अब हम जो हमारा ऊंचाई दिया गया था 15 मीटर, जो 6 सेंटीमीटर के बराबर हुआ है, तो ये 6 सेंटीमीटर ऊंचाई को लेकर के हम इस पर एक मार्क करते हैं। मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर हाइट हमारी यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर हुई, अब क्षैतिज जो दूरी या बाध की चौड़ाई 7.5 दिया गया है। तो हम यहाँ पे पुनः कैलकुलेट कर लेते हैं, 250 × 7.5 × 100, 1 0 से 1 0 काटा गया, 5 × 25, 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 14, 15/5, यानी यहाँ से हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसी रेखा के समांतर यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचते हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा हो गई। अब यहाँ पे अगर कहा जाए, इस तरफ हम मानते हैं डीएस और यहाँ मानते हैं यूएस। अगर डीएस यहाँ पे है तो डीएस का ढाल दिया गया है 1.5:1, यानी हमारा जो क्षैतिज जाएगा वह 1.5 गुना जाएगा, ऊर्ध्वाधर 1 गुना। तो ऊर्ध्वाधर दूरी यहाँ से मापते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर आया। अब 6 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, 1.5 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 9 सेंटीमीटर हम क्षैतिज दूरी माप लेते हैं, यहाँ पे हो गया, और यहाँ से ला करके इसको हम मिला देते हैं,
ये हो गया। ऐसे इधर भी दिखा लेते हैं, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे हो गया, या यहाँ से भी माप सकते हैं 3 सेंटीमीटर, इजेक्ट वही है। अब इधर जो ढाल देना है 2 का देना है, यानी क्षैतिज 2 जाएंगे जब ऊर्ध्वाधर 1 दिया गया होगा। तो यहाँ 6 है, तो यहाँ से हम क्षैतिज जाएंगे 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर मापा गया और निशान लगा दिया गया, और फिर यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं। तो ये बांध का खाका हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये GL है, और यहाँ का जो RL दिया गया है वह दिया गया है 200 मीटर, तो यहाँ 200 मीटर लिख दिया गया। यहाँ पे अगर RL की बात किया जाए तो बाद की ऊपरी चौड़ाई पे RL 215, तो यहाँ पे RL लिख देंगे 215 मीटर। फुल सप्लाई लेवल तो 2 मीटर कम है, या यहाँ से 2 मीटर हम नीचे आ जाते हैं। अब 2 मीटर बराबर कितना होगा, 1/250 × 2 × 100, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। 1 0 से 1 0 काटा गया, 5 25, 5 2 10, यानी 2 × 4/5 सेंटीमीटर हुआ। या यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं तो mm हो जाएगा, तो यह हमारा 8 mm होगा। तो ये 8 mm हो गया। अब हम 8 mm यहाँ से नीचे आएंगे, यानी इस रेखा से 8 mm नीचे आते हैं, यहाँ कहीं पे हुआ, जहाँ पे 8 mm हो रहा है उसी के सीध में हम क्या करते हैं, जल को दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम डॉटेड करके दिखा देंगे कि ये हमारा फुल सप्लाई लेवल है। अब इसके नीचे भी इसी प्रकार से जल का भराव दिखा दिया जाएगा। समान लंबाई होगी रेखाओं की, और गैप जो रखेंगे वह भी समान होगा, और इनके बीच जो दूरी रखेंगे वह भी समान ही रखेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे में डॉटेड करके स्केल के द्वारा ही दिखाएंगे। हम यहाँ हाथों से भर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हाथ से ना भर करके स्केल के द्वारा ही दिखाए जाएंगे। जब हाथों से भरा जाता है ऐसे जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये हमारा तिरछी रेखाएँ हो जाती है, और रेखा की लंबाई भी कम अधिक हो जाती है, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से नहीं भरेंगे। तो हम इसको स्केल रख करके ही पूरा पूरा भर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इधर का जो ढाल है वह 2:1 दिखाया गया है, और इधर जो ढाल दिखाया गया है वह 1.5:1 का दिखाया गया है। तो ये दिखा दिया गया, इस पे लिख देंगे फुल सप्लाई FSL, और इसका RL दिखा देंगे। क्वेश्चन में दिया गया फुल सप्लाई का 213 मीटर। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसके माप को भी दिखा देते हैं। इसके सीध पे यहाँ एक रेखा खींच लेंगे, इसके सीध पे यहाँ एक रेखा, इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ तीर दिखाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 7.5 मीटर, और यहाँ पे चाहें तो एक रेखा इसके सीध में दिखा सकते हैं। और यहाँ से ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी ये हमारा होगा मुक्तांतर। इसको दिखाएंगे फ्री बोर्ड, जो हमारा 2.0 मीटर के बराबर है। अब पैचिंग की बात किया जाए तो 1 मीटर पैचिंग किया गया है। अगर 2 मीटर को हम कन्वर्ट कर रहे थे तो 8 mm आ रहा था, अगर 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 4 mm आएगा। तो जहाँ ये जल भर के दिखाया गया कि यहाँ तक है, तो इससे कुछ ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम 4 mm लंबी एक रेखा खींच देंगे, और इसी रेखा के समांतर यहाँ से भी एक रेखा खींच देंगे। तो ये रेखा हमको दिखाएगी कि इसमें पैचिंग करना है।
कुल पैचिंग 4 mm में ही करना है, लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए पैचिंग तो हमको 4 mm में ही करना है लेकिन दो भागों में करेंगे, तो यहाँ से 2 पे निशान लगाएंगे 2 mm पे, और यहाँ से इसको हम 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 में हम दिखा देते हैं, ऐसे बिंदु भर देंगे जो कि बालू को दिखाएगा, और दूसरे वाले में हम छोटा छोटा अनियमित वृत्त बना देते हैं जिसको हम मानेंगे कि यह हमारा पत्थर है या स्टोन फिलिंग किया गया है, पैचिंग जो किए जा रहे हैं वहाँ पे स्टोन प्रयोग किए गए। ये तो हमारा हो गया समांगवाद या जिसको होमोजीनियस वाद कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको कोर वाल बनाना है। तो कोर वाल बनाने के लिए यहाँ पे कोर वाल की ऊपरी चौड़ाई 3 मीटर और निचली चौड़ाई 6 मीटर दिया गया है। तो यदि हम 3 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 3 मीटर बराबर 12 mm हो जाएगा, जैसे 2 मीटर बराबर 8 mm, तो 3 मीटर हो गया तो इसका 1.5 गुना हो गया 12 mm, और ऐसे 6 की अगर बात किया जाए तो 24 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके सीध से यहाँ से और इसके सीध यहाँ से जो दूरी दी गई है, या फिर हम क्या करते हैं इसका सेंटर निर्धारित कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक सेंटर यहाँ हुआ और एक सेंटर यहाँ कहीं पे हुआ, तो हम यहाँ से जो 12 mm हुआ है 6 mm उधर लेते हैं और 6 mm इधर लेते हैं। चाहे तो यहाँ दीवार पे सटा करके कर सकते हैं ऊपर यहाँ पे, और या फिर यहाँ से कुछ दूरी छोड़ करके हम यहाँ पे वहाँ से पूरी पूरी दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ से छोड़ा गया, यहाँ से छोड़ा गया, और ये बीच की दूरी हमारी 12 mm हो गई। लेकिन नीचे यदि लाते हैं तो वह 24 mm हो रहा है। तो यहाँ 24 mm मापेंगे, सेंटर ये है, यहाँ से 12 mm इधर माप लेंगे और 12 mm इधर माप लेंगे, तो 24 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से इसको ला करके इस प्रकार से मिला दिया जाएगा, ऐसे इधर भी मिला देते हैं, ये हो गया, ये हमारा डायफ्राम हो गया, या दूसरे प्रकार की यहाँ पे मृदा का भराव मान लेते हैं। लेकिन अब जब जीएल से नीचे आएंगे, अगर ये बनाया जा रहा है तो इसके लिए फाउंडेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अंदर मोड़ लेते हैं, या कह सकते हैं कि इसी के सीध में कर लेते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा हल्का सा टेपर करके नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे इसका मिलान कर देते हैं। तो ये हमारा डायफ्राम तैयार हो गया। अब इसके अंदर अगर चाहें तो एक दूसरी प्रकार की वाल भी बना सकते हैं। अगर दूसरे प्रकार की वाल दिखानी है तो दोनों तरफ सेम दूरी लेकर के यहाँ से मिलान कर देते हैं और यहाँ से मिलान कर देते हैं, जो भी दूरी रखी जाए, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये मिलान कर लिया गया। और इसमें दिखा देंगे कंक्रीट, कि यहाँ पे कंक्रीट का भराव किया गया है, तो इस प्रकार से इसमें दिखा दिया गया कंक्रीट। और जो इसके बगल वाली है उसको हम कर देते हैं हैचिंग, जैव भी हैचिंग जिस भी प्रकार से करेंगे सेम ही किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी तरफ दूसरे प्रकार का किया जाए तो एक तरफ दूसरे प्रकार की हैचिंग की जाए। जो भी हैचिंग की जाएगी एक जैसी हैचिंग पूरी पूरी होगी। तो यहाँ से ये हो गया हैचिंग, ये हमारा बाध बन के तैयार हो गया। अब इस पर हमको क्या करना है कि माप दिखा देने हैं। तो यहाँ से एक रेखा दिखाते हैं यहाँ तक, इसके सीध से
और इसके सिर से यहाँ तक और फिर यहाँ पे, तो ये हमारा है 7.5 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट थी 15 मीटर और इधर डेढ़ गुना किया गया है तो 22.5 मीटर और इधर दो गुना किया गया है तो इधर हो गया 30 मीटर और यहाँ पे दिखा देंगे तीर, यहाँ पे भी तीर दिखा देते हैं, यहाँ पे भी हो गया और ये यहाँ पे भी तीर दिखा दिया गया। जो कोर दीवार है इसकी अगर चौड़ाई दिखाई जाए तो यहाँ पे और यहाँ पे, यह निचली चौड़ाई है जो कि हमारा 6 मीटर 6.0 मीटर ये हो गया। अगर वहीं पे हम इसकी ऊंचाई की बात करें चौड़ाई की, तो टॉप पे जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो है यह हमारा 3 मीटर है। थ्री मीटर हो गया, जो 3 मीटर बराबर 12 mm आया था, ये 12 mm यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी है, इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों समान है, यानी जो इतना आया था उसमें से 3 मीटर दिखा दिया गया या 12 mm और इधर इधर दोनों तरफ समान दूरी छोड़ दी गई। ये यहाँ पे हम दिखा देते हैं, कोर वाल है। फाउंडेशन की गहराई की अगर बात करें तो यहाँ GL से नीचे फाउंडेशन को दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक की गहराई को भी हम दिखा देते हैं। ये हम 2.0 मीटर की दूरी दिखा देते हैं और यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर है ही दिखाते हैं और यहाँ निचली चौड़ाई जो इसकी होगी ये हम दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 3 मीटर, ये दूरी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी होगी यह दूरी हमारा 3 मीटर। ये हमारा है DYS और ये है हमारा US और यहाँ पे जो फिलिंग की गई है, एक फिलिंग यहाँ पे की गई है और दूसरी फिलिंग हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तीर यहाँ पे ज़रूर बनाएंगे और यह स्पष्ट हो जाए, यहाँ पे सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग किया गया और यहाँ पे स्टोन फिलिंग, कितना कितना किया गया हम दोनों को बराबर कर देते हैं, 50 सेंटीमीटर और ये भी 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे बाँध को बनाया जाएगा जिसको कोर वाल कहा जाता है। इसमें और डिज़ाइन को भी बदला जा सकता है, अगर ये बीच की दीवार को नहीं दिखाते हैं तो भी कोई समस्या इसमें नहीं होगी। और यहाँ पे इसको दिखा देंगे कंपैक्टेड, कंपैक्टेड सॉइल, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। ये अब हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।